देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। पार्टी हर राज्य में अंदरूनी कला से जूझ रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पार्टी के नेता इस्तीफा देकर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। इस साल की शुरुआत में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी साफ देखी गई थी, जिसके कारण सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। वहीं अब लोकसभा चुनाव होने में 2 साल से भी कम का समय रह गया है। बीजेपी ने 2024 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस को अब तक फुल टाइम अध्यक्ष भी नहीं मिला है। कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस को फंसा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस बनी हुई है। पार्टी ने घोषणा की थी कि 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच संगठन के चुनाव होंगे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। खबरों की माने तो कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन राहुल ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है। राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक नहीं बुलाई गई है, जिसमें चुनाव की तारीख तय की जानी है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के रुख पर स्पष्टता की कमी के कारण नेतृत्व असमंजस में है और संगठन को संदेह है कि ये चुनाव के समय तक पूरा हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये यात्रा लंबी होने वाली है, इसलिए अगर तब तक चुनाव नहीं हुए तो इसमें और देरी होने की संभावना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के आंतरिक चुनाव भले ही टाले जा चुके हैं, ऐसे में राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो सोनिया गांधी पार्टी को बांधने और 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी को टक्कर देने के लिए स्वाभाविक पसंद हो सकती हैं। हालांकि देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल ये मानकर चल रहे हैं कि 2024 में मोदी की वापसी तय है, ऐसे में अभी वो पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो फिर ये हार का ठीकरा उनके सिरे फोड़ा जाएगा। ऐसे में यही वजह हो सकता है कि राहुल गांधी पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने से बच रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।